उच्चतम न्यायालय ने देश में ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में आधी अधूरी जानकारी के साथ 845 पेज का हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को उसके समक्ष कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत कूड़ा उठाने वाली नहीं है। शीर्ष अदालत ने ये सख्त टिप्पणी देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अमल के मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र के वकीलों द्वारा न्यायालय में इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने की पेशकश किए जाने पर की। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार उसके समक्ष कचरा नहीं डाल सकती है। इस तरह का हलफनामा दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं हो। पीठ ने सख्त लहजे में केंद्र के वकील वसीम कादरी से कहा, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इससे प्रभावित नहीं हुए। आप सब कुछ हमारे सामने डालना चाहते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पीठ ने कहा, ये मत कीजिए, हम कूड़ा उठाने वाले नहीं हैं। इसके बारे में आपको साफ मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2016 के नियमों के अनुसार राज्य स्तर के परामर्श बोर्ड गठित किए हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।